दूसरा मुद्दा, इस्लाम और ईसाइत में खुदा का तस्वुर कैसा है। कुरान शरीफ फरमाता है कि खुदा एक है और उसका ना तो कोई साथी है और ना तो कोई बीवी, और जो शख्स उसके साथ किसी को जोड़ता है वो शिर्क करता है जिसकी कोई माफी नहीं है। لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم। बेशक काफिर है जो कहते हैं अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, और अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे उनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। पांचवा सूरा आयत 73। وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب। और जब अल्लाह फरमाएगा ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी माँ को दो खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? अर्ज करेगा, बाकी है तुझे, मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूँ जो मुझे नहीं पहुँचती। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा, तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो जो मेरे इल्म में है। बेशक तू ही है सब गैबों का खूब जानने वाला। पांचवा सूरा आयत 116। या अहल الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا। أي كتاب بالو अपने दीन में ज्यादती ना करो और अल्लाह पर ना कहो मगर सच मसीह ईसा मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल ही है, और उसका एक कलमा की मरियम की तरफ भेजा, और उसके यहाँ की एक रूह जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और तीन ना कहो, बाज रहो अपने भले को, अल्लाह तो एक ही खुदा है, बाकी उसे इससे कि उसके कोई बच्चा हो, उसी का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और अल्लाह काफी कारसाज। चौथा सूरा आयत 171। जनाब यूसुफ अली ने अपने तर्जुमे में जानबूझकर तीन के बदले ट्रिनिटी लिखा है। यहाँ हम एक बड़ी भारी मुश्किल का सामना करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में ट्रिनिटी का जो मतलब निकलता है वो ईसाइत के अकीदे के मुताबिक हरगिज नहीं है। कुरान के लिहाज से ईसाइयों की ट्रिनिटी में अल्लाह, बेटा और माँ यानी बीवी मरियम शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुरान इस नतीजे पर कैसे पहुँचा कि ईसाई ऐसा गलत और बेहुदा अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा मसीह की पैदाइश अल्लाह और बीवी मरियम की मुबाशरत का नतीजा है। ईसाइयों ने कभी भी इस ख्याल को कबूल नहीं किया बल्कि उसकी मजम्मत की है और आज भी करते हैं। ना तो बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि खुदा की कोई बीवी है और उसने कोई बेटा जना यानी हजरत ईसा मसीह। ना तो बाइबल कहीं पर भी कहती है कि ट्रिनिटी का मतलब है बाप, माँ और बेटा। हजरत ईसा ने कभी भी ऐसा जाहिर नहीं किया कि बीबी मरियम माबूद है, क्योंकि ऐसा कुछ भी मानना
ईसाइयत में कुफ्र माना जाता है। अगर ईमानदारी से देखें तो कुरान शरीफ ने इंजील के तस्वुर से ईसा मसीह को खुदा का बेटा मानने पर एतराज नहीं किया है, मगर इतना है कि वो इस गलत तालीम को कबूल करने से परहेज करता है जिसे ईसाई भी गलत मानते हैं। लफ्ज़ खुदा का बेटा बाइबल मुकद्दस में कभी भी इंसानी या जिस्मानी रिश्ते के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पर हम अगले मौजू में कुछ खास गौर फरमाएंगे। बाइबल मुकद्दस में जो खुदा का तसव्वुर पेश किया गया है उसे सही तौर पर समझना हमारे लिए जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है अल्लाह तीन माबूदों में से एक है या खुदा गिनती में तीन है, मगर बाइबल मुकद्दस में हम यही लिखा पाएंगे कि खुदा एक है, खुदा की जात एक है। बाइबल मुकद्दस इस्तिश्ना बाब 4 आयत 35 और बाब 6 आयत 4, मरकुस बाब 12 आयत 29, यूहन्ना बाब 17 आयत 3, पहला कुरिन्थियों बाब 8 आयतें 4 और 6। अगर बाइबल मुकद्दस में यही फरमाया जा चुका है कि खुदा की जात एक है, तब ये शिकवा शिकायत किस बात का? तो इस गलत फहमी का ताल्लुक दरअसल खुदा के तसव्वुर से है जो कि ईसाइयों की चंद जमातों में भी पाया जाता है। कहीं पर भी बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं लिखा है कि तीन खुदा हैं या फिर तीन मुख्तलिफ खुदादाद हस्तियां गोया के अल्लाह, ईसा और मरियम, क्योंकि ये ख्याल तो सरासर कुफ्र है। बाइबल मुकद्दस में खुदा का तसव्वुर, बाइबल मुकद्दस में खुदा का कैसा तसव्वुर पेश किया गया है? बाइबल मुकद्दस के आलिम इसे कुछ इस तरह से पेश करते हैं कि सिर्फ एक अजली और अबदी हस्ती है। खुदा की ये वाहिद हस्ती तीन बराबरी की कुदरत रखने वाली अजली और अबदी एक ही खुदा की जात है, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। यहाँ पर ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि हस्ती या जात और शख्स में क्या फर्क होता है। जाहिर है यूं करना किसी तजाद का बायस बन सकता है कि एक हस्ती में तीन हस्तियां हैं या एक शख्स में तीन शख्स हैं। तो फिर इनमें फर्क क्या है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बातों से समझ लेते हैं कि हस्ती या जात और शख्स में क्या फर्क होता है। हम जानते हैं कि कोई भी एक चीज यानी मादा क्या होता है, फिर भी हम किसी एक या मुनफरिद को उसकी जात से पहचान पाते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं आदम जात की, पत्थर के अलावा कुत्ते बिल्ली की अपनी अपनी जात होती है, और हम ये भी जानते हैं कि हर एक जात में उसकी अपनी सिफतें भी होती हैं। तब कहीं जाकर हम दोनों को यानी क्या है मादा और हस्ती आजाद और वो कौन है एक या मुनफरिद को पहचान पाते हैं जब भी हम किसी शख्स या चीज की बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ऐसी तीन मुख्तलिफ हस्तियां हैं जिनकी अपनी एक जात है, खुदा, इंसान और फरिश्ते। पहले हम जान लें कि शख्सियत होती क्या चीज है। शख्सियत वो होती है जिसमें जज्बात होते हैं, यानी अपनी मंशा या राय होना और अपनी बात कहना। पत्थर बोल नहीं सकते, कुत्ते बिल्ली की अपनी समझ नहीं होती, ना तो वो दूसरों का ख्याल करते हैं, यानी कि बिल्ली या कोई जानवर किसी दूसरे का भला बुरा नहीं सोच सकते। तो हम यहाँ ऐसा कहते हैं कि एक अबदी लामहदूद खुदा की एक पाक जात है जो पूरी और मुकम्मल तौर पर तीन मुख्तलिफ शख्सियतों बाप, बेटा और रूहुल कुदुस में मौजूद है। एक यानी वो क्या जात या मादा और तीन यानी वो इनफरादियत या शख्सियतें हैं। जरा गौर फरमाएं, हम ये नहीं कहते कि बाप ही बेटा है और बेटा ही रूहुल कुदुस है और रूहुल कुदुस ही बाप है। लोगों के लिए इसे गलत समझ लेना आम है कि हम ईसा ऐसा मानते और कहते हैं कि हजरत ईसा ही बाप है। ट्रिनिटी का अकीदा किसी भी तौर से ऐसा नहीं कहता। ट्रिनिटी के वसी समुन्दर में बहकर आने वाले बाइबल मुकद्दस के वो तीन अकीदे इस तरह से हैं। पहला, सिर्फ एक और वाहिद अकेली खुदा की जात है जो अव्वल से अबद तक ला तब्दील है। दूसरा, कलाम इलाही के वसीले से इन तीन अबदी हस्तियों का जिक्र होता है, बाप, बेटा और रूहुल कुदूस। तीसरा, बाप, बेटा और रूहुल कुदूस में पूरी तौर से इलोहियत की पहचान मिलती है। यानी बाइबल मुकद्दस ये दावा पेश करती है
ईसा मसीह और रूहुल कुदूस दो खुदादाद हस्तियां हैं। बकौल डॉक्टर जेम्स वाइट vintage.aomin.org/trinitydef.html। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो मैं एक ऐसी हस्ती हूँ जिसके शऊर का एक ही मरकज है और मेरी हस्ती या मेरा मादा आदमजात कहलाता है। खुदा की भी एक हस्ती है और उसकी हस्ती या मादा खुदादाद है जो अजल से अबद तक शऊर के तीन मरकजों में मौजूद है। गोया के उसके शऊर के तीन मरकज हैं, यानी बाप बेटा और रूहुल कुदूस। अगर हम ऐसा कहते हैं खुदा तो एक है और उसी के साथ साथ वो तीन है, तब तो ये तजाद होगा। या फिर हम यूं कहें कि खुदा तीन है और साथ साथ एक है, तब भी ये तजाद होगा। मगर जब हम कहें कि खुदा की जात एक है जो अपनी सिफतों, रूह और कुदरत के साथ शऊर के तीन मरकजों में या शख्सियतों में मौजूद है, तो ये तजाद नहीं होगा। जी, इसे समझना मुश्किल तो है, मगर मंतकी तजाद किसी भी हाल में नहीं हो सकता। जब जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तब तब हमारी समझ में आया है कि कुरान शरीफ ईसाइयत के बुनियादी अकीदे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक ऐसे कुफ्र और शिर्क की मुखालफत करता है जिससे ईसाई बजाते खुद राजी नहीं है। कुरान शरीफ में तीन खुदादार और रब्बी हस्तियों की मौजूदगी, जिनमें पहला खुद अल्लाह है और जिस दूसरे का जिक्र कुरान शरीफ करता है वो खुदा का कलाम है। इसे पैदाइश का कलाम या खुदा का हुक्म कहा गया है। إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون। जो चीज हम चाहें उससे हमारा फरमाना यही होता है कि हम कहें हो जा, वो फौरन हो जाती है। 16वां सूरा आयत 40। إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाए हो जा, वो फौरन हो जाती है। 36वां सूरा आयत 82। जहाँ तक के 36वें सूरे की 82वीं आयत है, द होली कुरान ट्रांसलेशन एंड कॉमेंट्री में यूसुफ अली अपने फुटनोट नंबर 4028 में कलाम की तफसीर कुछ इस तरह से बयान करते हैं, जिस लम्हे वो यानी खुदा कुछ चाहता है, वही चाहत उसका कलाम या हुक्म बन जाता है और वो चीज वजूद में आ जाती है। बाइबल मुकद्दस भी कुछ इसी तरह से बयान करती है कि चीजें कलाम इलाही के जोर पर खल्क हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कलाम इलाही या खुदा के कलाम से हर चीज खल्क होती है, तब तो ये साफ है कि कलाम कभी भी खल्क नहीं हुआ, क्योंकि ये वो जरिया है जिससे सब कुछ खल्क हुआ है। इसी वजह से कई मुअल्लिम इस बात से सहमत हैं कि कलाम इलाही या खुदा का कलाम पैदा या खल्क नहीं हुआ। इस तरह जब खुदा का कलाम कभी भी खल्क नहीं हुआ और जहाँ के खल्क होने के कबल से था, तब तो वो अजल से है और इसीलिए वो इलोहियत का मालिक है। इस माकूल बयान से हम अपने मुसलमान दोस्तों को बताना चाहेंगे कि हजरत ईसा मसीह न सिर्फ इंसानी तबीयत रखते थे, बल्कि आप में इलोहियत की तबीयत भी बरकरार थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस और कुरान शरीफ बिला शुबा उन्हें खुदा का कलाम मानकर मुखातिब करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी समझने की कोशिश की है। इब्ने इसाक की लिखी सीरत रसूल अल्लाह, जिसका तर्जुमा द लाइफ ऑफ मोहम्मद नाम की किताब में हुआ है, उसमें रसूल यूहन्ना की लिखी हुई इंजील शरीफ का जिक्र करते हैं, जिसमें यूं बताया गया है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, कलाम शुरू में खुदा के साथ था, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा की गईं और कोई चीज भी ऐसी नहीं जो उसके बगैर वजूद में आई हो, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के एक लौते का जलाल। यूहन्ना की इंजील बाब 1 आयतें 1-3 और आयत 14। खुदा का कलाम कलिमा एक इंसानी शक्ल में ईसा मसीह बनकर मुजस्सम हुआ, और वो तीसरी हस्ती या शख्सियत जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, वो है रूहुल कुदूस या रूह इलाही।
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत की अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुनबे वाले हों ये है जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की और उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें उनमें हमेशा रहें अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी ये अल्लाह की जमात है 98 सूरा आयत 22 द होली कुरान के फुटनोट नंबर 5365 में यूसुफ अली ने लिखा है खुदा की जानिब से भेजी गई रूह या जिसे रूहे इलाही कहते हैं वो एक खुदादाद रूह है जिसके बारे में हम अपने लफ्जों में बिल्कुल उसी तरह से बयान नहीं कर सकते जैसा कि हम खुदा की जात और उसकी सिफातों को बता नहीं पाते पाक रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं रोमियो बाब 8 आयत 16 अब देखा जाए तो हम कुरान शरीफ में भी तीन ऐसी लोहियत की सिफात वाली तीन पाक जात हस्तियों का सबूत पाते हैं अल्लाह यानी खुदा अल्लाह का कलाम यानी खुदा का कलाम और अल्लाह की रूह यानी रूहुल खुदूस वैसे तो ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर एक जैसी तबीयत और सिफातों से मामूर रहकर एक दूसरे से कभी ना अलग होने वाली हस्तियां हैं। तसलीसी खुदा की फलसफेयाना जरूरत अब तहरीर से खुदा का इखलाकी तौर पर बेऐब होना लाजिम है इखलाकी तौर पर एक माबूद को मोहब्बत रखनी चाहिए क्योंकि मोहब्बत न रखने से मोहब्बत रखना इखलाकी तौर पर बेहतर बात है इसीलिए खुदा के लिए एक मुकम्मल मोहब्बत रखने वाला माबूद होना लाजिम है अगर खुदा मोहब्बत रखता है तो सिर्फ मोहब्बत करने के लिए दो हस्तियों का होना लाजमी है जैसे एक जो मोहब्बत करता है और दूसरा जिससे वो मोहब्बत करता है इखलाकी तौर पर एक पाक जात माबूद का खुद में कफील अपने आप में मुकम्मल होना लाजमी है क्योंकि जब वो खुद ही कफील नहीं होगा तब तो उसे किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कोई न कोई कमी की वजह से अगर वो किसी चीज का मोहताज है तब तो वो खुद कफील कभी भी नहीं हो सकता और जब वो अपने आप में मुकम्मल नहीं है तब तो वो खुदा बनने के काबिल नहीं रहा अब जैसा कि माना जाता है खुदा मोहब्बत है तो उसने तमाम आलम और सारी मखलूक को खल्क करने से पहले किस से मोहब्बत की थी क्योंकि मोहब्बत निभाने में दो हस्तियों का होना लाजमी होता है एक मोहब्बत करने वाला और दूसरा जिससे वो मोहब्बत करता है अब काबिले गौर बात यह है कि अगर खुदा को अपनी मोहब्बत जाहिर करने की खातिर मजबूर होकर कुछ खल्क करना पड़ता है तब तो वो खुद कफील बनने से रह जाता है क्योंकि अपनी मोहब्बत जाहिर करने की खातिर उसने तमाम आलम बनाया और ऐसा करके उसने अपनी मजबूरी जाहिर की और यही मजबूरी खुदा का माबूद होने से इख्तलाफ करती है क्योंकि खुदा को खुद में मुकम्मल होना चाहिए यहाँ पर ईसाइयों का ये तसव्वुर पूरी तौर पर वाजिब और मुकम्मल है कि खुदा वो हस्ती है जो शऊर के तीन मरकजों में मौजूद है और अजल से अबद तक बाप बेटा और रूहुल खुदूस में बसा है और जब हम खुदा की मोहब्बत करने वाली सिफत की बात करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे से अजल से जब ये आलम नहीं था मोहब्बत करते आए हैं और यही जाहिर करता है कि खुदा की जात इखलाकी तौर पर बेऐब और खुद कफील है अजीजों हम चाहते हैं कि आप ये जान जाएं
कि कोई भी ईसाई ये नहीं कबूल करता है कि अल्लाह मरियम और ईसा में एका है या यही वो ट्रिनिटी है। खुदा का एक शहूर जो तीन मुख्तलिफ मरकजों में मौजूद है वही तो खुदा बाप, ईसा और रूहुल कुदूस है। खुदा की जात को समझना तो बेहद मुश्किल है मगर इसमें तजाद नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी खुदा की जात को जानना नामुमकिन है। ईसाई ऐसा मानते हैं कि जो कुछ इंकशाफ बाइबल में उतारा गया है और जो कलाम मंतक और फलसफे की रोशनी में जाहिर होता है कि खुदा की जात का तीन हस्तियों में होना बिल्कुल समझ के लायक है। ना तो बेहद मुश्किल है मगर इसमें तजाद नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी खुदा की जात को जानना नामुमकिन है। ईसाई ऐसा मानते हैं कि जो कुछ इंकशाफ बाइबल में उतारा गया है और जो कलाम मंतक और फलसफे की रोशनी में जाहिर होता है कि खुदा की जात का तीन हस्तियों में होना बिल्कुल समझ के लायक है।